आज हम अपने यूजीसी नेट पेपर टू के जो हम सीक्वेंस चला रहे हैं उसमें विल बी टॉकिंग अबाउट मार्क्सिज्म. सो कार्ल मार्क्स की ये फिलॉसफी है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. एंड ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर इसे अच्छे से समझा जाए. सो इससे क्वेश्चन बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. सो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करा दें. सो एज वी गो अहेड विद द टॉपिक, कार्ल मार्क्स वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस फिलोसफी. अब ये जितने भी हम इज़म्स पढ़ते हैं ये सारे क्या हैं, स्कूल ऑफ थाट्स हैं, राइट. सो ये कार्ल मार्क्स जो थे इस फिलोसफी के प्रोपाउंडर थे. उन्होंने इसे इसे एजाज किया था. उनके बारे में भी जस्ट अ फ्यू लाइन्स. ही वॉज बॉर्न ऑन 5th of May 1818 इन जर्मनी. सो ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. सो उनका जन्म 1818 में हुआ था. सो अभी जो हम जितनी भी बात करेंगे वो उसी कॉन्टेक्स्ट में करेंगे. सर इज माई ऑडियो क्लियर? Is my audio clear, sir? Okay. Thank you, Ritu ma'am. Audio is clear. Thank you, Shambhu sir. Thank you so much. सो गोइंग अहेड, जैसे हम बात कर रहे थे कि कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने इस फिलॉसफी को प्रोपाउंड किया था. एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 5th of May 1818 इन जर्मनी. और वो जर्मन फिलोसोफर थे. कुछ उनकी बहुत फेमस राइटिंग्स हैं जैसे कि दास कैपिटल, जो कि एक क्रिटिकल एनालिसिस था पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि पैम्फलेट 1848 में, दिस वॉज ऑल्सो रिटन बाय कार्ल मार्क्स. तो कई बार ये क्वेश्चन में भी आता है कि हु हैज़ रिटन दास कैपिटल एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. सो वी नीड टू रिमेंबर दिस. कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल थीम ऑफ हिज फिलोसफी. तो उनकी जो पूरी फिलोसफी है दैट इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ द कन्फ्लिक्ट थ्योरी. अब ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज़ बेसिकली अबाउट द क्लास स्ट्रगल. तो कार्ल मार्क्स जिस एरा के थे उस एरा में देयर वॉज लॉट ऑफ यू नो ब्रे, बहुत तरह का गैप था अगर हम सोसाइटी में बात करें. तो उनकी पूरी फिलॉसफी में हमें उसी के बारे में जानकारी मिलती है. सो हिज थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल डील्स विद थ्री प्रेमाइसेस. सो थ्री ब्रॉड एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे. फर्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ हिथर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. सो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो हमारी जो सोसाइटी की जो हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल के साथ एसोसिएटेड है. सो जब से हमारी सोसाइटी चली आ रही है तब से हमारे पास जो क्लासेस का डिविजन है वो हमारी सोसाइटी को डिवाइड करता है. दैट मीन्स एक ऐसा सेगमेंट है सोसाइटी का विच इज हैव्स एंड द अदर वन इज हैव नॉट्स. और जो भी जिस तरह से हमारा सोशल सेटअप बढ़ता जा रहा है इसमें एक ये गैप क्रिएट होता चला जा रहा है. दैट मीन्स जिनके पास है उनके पास और बढ़ता जा रहा है, और जो डिप्राइव्ड हैं जिनके पास नहीं है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है. सो ये जो गैप है ये बहुत तरह का सोसाइटी में कैओस रिजल्ट करता है. इनकी पूरी फिलॉसफी इसी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. द सोशल लर्निंग ऑफ मैन डिटरमाइंस हिज कॉन्शियसनेस. सो सोशल लर्निंग को इन्होंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया है. इनका मानना था कि ह्यूमन बीइंग की जो सोशल लर्निंग है, जो हम सोसाइटी में रहते हैं उसमें जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारी पूरे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती है. द क्लास विच इज डोमिनेंट मटीरियल फोर्स इन द सोसाइटी इज डोमिनेंट इन इंटेलेक्चुअल स्फेयर. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि जो सोसाइटी में डोमिनेंस में है वो हर स्फीयर में डोमिनेट करते हैं. चाहे वो इंटेलेक्चुअल स्फीयर में बात करें वो हर जगह उन्हीं का डोमिनेंस रहता है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स बिफोर वी गो अहेड विद द मार्क्सिज्म, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए. अब वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Give me a moment. Yeah. So this is the Karl Marx. ये Karl Marx और उनकी conflict theory
इज समथिंग विच वी हैव टू स्टडी. मार्क्सिज्म में सारा कुछ हमें इनसे ही रिलेटेड पढ़ना है. इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहा जाता है. सो ये सारे नाम इन्हें दिए गए हैं. एरा, जैसे हमने कहा, 1818 से शुरू होकर इनका एरा शुरू होता है. मार्क्सिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन विच स्पैन्स अराउंड 150 ईयर्स, कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट्स. सो ये एक, सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक थॉट प्रोसेस है जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को लेके चलता है. इट इज़ अ फिलॉसफी और वी कैन इवन से एन एंटी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, एंड इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी. सो जिस तरह से हमारी इकॉनमी फंक्शन करती है, इस चीज़ का भी मेंशन हमें कार्ल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में देखने को मिलता है. वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Just a moment. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था और कि मार्क्सिज्म में हमें पढ़ना है, दैट इज डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म. ना डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का क्या अर्थ होता है? इन सोशल लाइफ मेन नेसेसरली एंटर इनटू सोशल रिलेशंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन सोशल इकोनॉमिक प्रोडक्शन. सो कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीन है, मेन का यहाँ रेफरेंस इज ह्यूमन बीन, ये एंटर करते हैं एक सोशल सेटअप में. अब हम सभी एक सोशल कंस्ट्रक्ट का पार्ट है. सो जब भी हम किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक प्रोडक्शन के साथ हमारा एसोसिएशन हो जाता है. द सम टोटल ऑफ दीज रिलेशन रिजल्ट इन एन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. और ये जो हमारा, चाहे वो सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करें, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, ये सब मिला के जो सम टोटल ऑफ दीज रिलेशन जो है, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बनाता है. Society is consequently divided into two classes. So in Marxism को अगर हम follow करें, तो इन्होंने clear cut demarcation दिया है about our entire society, which is divided into two classes. Those who own the means of production, यानी कि वो सारे लोग जिनके पास means है, जिनके पास resources है of production, तो वो हो गए हमारे capitalist. And those who have nothing to sell but labor, so another जो लॉट है वो हमारे हो गए वर्कर्स. दैट मीन्स उनके पास और कुछ नहीं, बस वर्क, दे कैन सेल देयर लेबर. सो एक बहुत बड़ा गैप है जो हमारी सोसाइटी में क्रिएट होता है ऑफ कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर्स. मार्क्स कॉल्स इट एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, दिस इज सेट टू बी एज द एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. नाउ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट. अब चूंकि हमें इसे एजुकेशनल कंटेक्स्ट में पढ़ना है, तो हमें ये भी समझना होगा कि मार्क्सिज्म को हमें हमारी एजुकेशन में क्यों डाला गया है. सो उनका क्या मानना था कि एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, वी नीड टू नो अबाउट दैट. सो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, एजुकेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ द स्टेट टू स्टैब्लिश अ क्लासलेस सोसाइटी, दैट इज अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. सो द मेन आइडिया, अगर हम बात करें मार्क्सिज्म का, मेन आइडिया ये था कि एजुकेशन इस तरह की इम्पार्ट करनी चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी डेवलप करे वो बिल्कुल क्लासलेस हो, उसमें ये किसी तरह का डिमार्केशन नहीं हो कि कौन हैव्स में आता है और कौन हैव नॉट्स में आता है, क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, एक तरह का सोशल डिसऑर्डर क्रिएट करेगा. सो उनका ये मानना था कि एजुकेशन इस तरह की प्रोवाइड की जाए जिससे मिलिट्री ग्रोथ हो, इकोनॉमिक पावर की ग्रोथ हो, और जो गवर्नमेंट है वो क्या स्टैब्लिश कर सके, एक क्लासलेस सोसाइटी स्टैब्लिश कर सके, जिसे हम कम्युनिस्ट सोसाइटी कहेंगे. कार्ल मार्क्स नेवर रोट डायरेक्टली ऑन एजुकेशन, बट सेवरल एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कैन बी ड्रॉन. सो उन्होंने बहुत कुछ तो डायरेक्टली एजुकेशन के बारे में नहीं लिखा था, बट हाँ, बहुत सारी बातें उनकी हमें, जो उनकी राइटिंग से हम पढ़ते हैं, वो हमें समझ आती है कि वो क्या कहना चाहते थे, उनका अंडरलाइनिंग थॉट प्रोसेस क्या था.
He notes that the education system serves to reproduce economic inequalities. So Lewis Althor notes that children of the working class never come in contact with the ways of thinking that challenge the status quo and that are conditioned to accept failure. So inka ye manna tha, along with Lewis Althusser, that jo different class ke log hai, wo kabhi ek dusre ki situation samajh hi nahi sakte hain. Unless and until dignity of labor सबको समझाया जाए. सो उन ये वो मान के चलते थे कि एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए दैट कैन रिजल्ट इनटू अ क्लासलेस सोसाइटी. अब इफ यू टॉक अबाउट मार्क्सिज्म एंड इट्स एम्स इन एजुकेशन की क्या उनके हिसाब से क्या होनी चाहिए हमारी एम्स इन एजुकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन मेक्स द सिटीजन ओबे द स्टेट एंड लॉ. तो उनका क्या मानना था कि एजुकेशन जैसी भी हम देते हैं वो क्या करता है, वो सिटीजन्स को स्टेट, स्टेट यहाँ अर्थ है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ओबे करना, लॉ को ओबे करना सिखाता है. किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, आज भी हम जो भी एजुकेशन हमें मिलती है वी लर्न हाउ टू ओबे द रूल्स. तो चाहे वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कहें, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहें, सो सिटीजन्स आर सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स को ओबे करें. सो एजुकेशन मेक्स द सिटीजन ओबे द स्टेट एंड लॉज. एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स. सो उनका मानना था कि एजुकेशन सबके लिए कंपल्सरी होनी चाहिए. इट शुड बी नॉट फॉर लिमिटेड पीपल. सो सबके लिए इट शुड बी, एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू एजुकेशन. बिकॉज ये वो मान के चलते थे कि एजुकेशन से ही जो ये अभी डिसहार्मनी हो चुकी है हमारी सोसाइटी में दैट कैन बी रिमूव्ड. The state should bear the burden of education. So again, on the similar lines, he was of the opinion कि जो भी हमारा education से related expenses हो वो किसकी responsibility होनी चाहिए, state की, that means government की. So it should not be in the hands of, you know, people to decide, but instead कि लोग जो हमारे जो government है वो इसकी complete responsibility ले कि सबसे पहले सबको compulsory education मिले और इससे related जितने भी expenses हो, जितने भी resources अरेंज करने हो वो सारे government के होने चाहिए. द स्टेट शुड emphasize on imparting ऑब्जेक्टिव नॉलेज. और नॉलेज भी इट शुड बी विच मेक्स सेंस, विच हैज सम ऑब्जेक्टिविटी. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि कैसा वो चाहते थे कि एजुकेशन इम्पार्ट हो, विच हैज ऑब्जेक्टिविटी इन इट सेल्फ. द स्टेट प्रमोट द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ऑल इट्स सिटीजन. सो अगेन एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, इस तरह की हम एजुकेशन दें ताकि वो किसी भी ह्यूमन बींग का, किसी भी सिटीजन का फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट को इंश्योर करें. राइट. हाय नवनीत, गुड इवनिंग. इकोनॉमिक पावर, यस, इकोनॉमिक पावर से अर्थ होता है कि जो पूरी हमारा सेटअप है, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो, इट वॉज उस समय का जो कंटेक्स्ट था, इट वॉज, देर वॉज अ बिग गैप. अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा गैप था ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में. तो उनका ये मानना था, चूँकि हम इसको एजुकेशन के आस्पेक्ट से समझते हैं, तो उनका ये मानना था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज कर जाए, पॉलिटिकल सेटअप भी हमारा, इट शुड बी टूवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स इन अ क्लासलेस सोसाइटी. सो ये जो क्लास क्रिएट हो रहा है उसको इनकरेजमेंट नहीं मिले. जो चाहे हमारा पॉलिटिकल सेटअप हो, हमारा इकोनॉमिक सेटअप हो, वो इस क्लास, जो क्लास वाली सोसाइटी है उसको ना इनकरेज करके एक क्लासलेस सोसाइटी की तरफ मूव करें. ठीक है. So, by means of vocational and trade education, dignity of manual labor should be established in the society. Again, ये भी बहुत important माना गया था कि dignity of labor should be there. People should, you know, value कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. So, जब हर किसी को हम involve करेंगे, पहले क्या होता था कि एक पूरा labor class था और एक बिल्कुल जो capitalist थे, जो labor से काम करवाते थे. Because, and they never used to understand the dignity of labor, क्योंकि उन्होंने खुद कभी काम करके नहीं देखा था. सो ये भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इन वाइल टॉकिंग अबाउट एम्स ऑफ एजुकेशन, कि देयर शुड बी डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर. सबकी, हर किसी को पता होना चाहिए. और वो कैसे हो पाएगा, जब हम वोकेशनल और ट्रेड एजुकेशन को इंक्लूड करेंगे अपनी करिकुलम में. ठीक है. और ये चूंकि इस्टैब्लिश होगा तो दैट विल लीड टू अगेन अ बेटर सोसाइटी.
Education should create full employment situation. Again, education should not be in isolation. जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसा हमने education तो gain कर ली but it is not giving any returns. So ये भी इनका मानना था Marxism की aim of education में ये बहुत important point है कि they keep the focus on full employment situation कि आप जो भी अपनी पढ़ाई करके निकले जो भी आपने डिग्री हासिल की है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए. अंडर प्रिविलेज शुड बी गिवन प्रायोरिटी. अगेन जैसे हमने बात की कि उस समय का जो कंटेक्स्ट था वो दे वी हैड लॉट मेनी पीपल हु वर फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ अंडर प्रिविलेज जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे बेसिक्स नहीं चीज़ें नहीं होती थी तो मार्क्सिज्म का ये मानना था कि उन्हें भी उन्हें प्रायोरिटी दी जाए. जैसे अगर हम अभी के कंटेक्स में हम बात करते हैं रिजर्वेशन के थ्रू द आइडिया इज टू ब्रिंग एवरीवन टू द मेन स्ट्रीम. सो सिमिलर ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस ये माना जाता था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाए ताकि वो लेफ्ट आउट नहीं फील करें. नो प्लेस फॉर रिलीजन इन एजुकेशन सिस्टम. अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट वेयर इन एजुकेशन सिस्टम में मार्क्सिज्म के कहीं भी रिलीजन का मेंशन नहीं है. दे डिडंट वांट इट क्योंकि उनका मानना था कि जो रिलीजन है वो एलिनिएशन कर देता है आपको लोगों से अलग कर देता है आपको सेक्टर्स में बांट देता है आपको सेक्शंस में बांट देता है. सो इवेंचुअली आप एक यूनिफॉर्म सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकते हैं. ठीक है सो वील जस्ट गो थ्रू द एम्स ऑफ एजुकेशन क्विकली. सो मार्क्सिज्म की अगर हम एम्स की बात करें सो पहली चीज़ थी कि एजुकेशन इज समथिंग जो कि सिटीजन्स को लॉ ओबे करना सिखाता है. एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी सबके लिए होनी चाहिए. उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उसका जो बर्डन है दैट शुड बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट. एम्फेसिस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव नॉलेज देने के लिए. एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए जिससे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो सके सिटीजन्स का. डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिया गया था. वोकेशन एजुकेशन हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस कि एजुकेशन ऐसी हो जिससे हम फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट कर सकें और जितने हमारे अंडर प्रिविलेज हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में ला सकें. साथ ही साथ रिलीजन का कोई भी प्लेस उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में नहीं दिया था. अब लेवल्स ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें तो कौन कौन सी लेवल की वो बात करते हैं. सो प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन. सो पूरा हमारे एजुकेशन सिस्टम को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हैपेंस टू बी दी प्राइमरी एजुकेशन जिसमें उनका मानना था कि 8 years ऑफ कंपल्सरी फ्री यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टिल द एज ऑफ 15. तो 15 साल का की उम्र तक जब तक बच्चा हो जाए तब तक उसे 8 साल मतलब 7 साल के बाद उसे एजुकेशन दी जाए. एंड वंस द चाइल्ड टर्न्स 7 years old उसे अनदर 8 years old की 8 years तक उसे पढ़ाया जाए कंपल्सरली कि इसमें यू कैन नॉट यू नो मिस आउट ऑन इट. फ्री होनी चाहिए जैसे हमने पहले कहा कि एजुकेशन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट. यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड. सो यूनिवर्सल मतलब सबको एक जैसी एजुकेशन बेसिक एजुकेशन टिल द पर्सन अटेन्स द एज ऑफ 15 राइट. नेक्स्ट लेवल वॉज सेकेंडरी एजुकेशन. आफ्टर दिस जब वो 15 साल की एज पे हो जाए आफ्टर दिस द कॉम्पिटेंट एडोलेसेंस यानी कि वो लोग जो आगे पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने 15 साल तक अपनी 8 years वाली एजुकेशन सही तरीके से ले ली है उनको दे शुड बी सिलेक्टेड फॉर 3 years ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन. जैसे कि हमने पहले बात की कि एजुकेशन पर्पसफुल होनी चाहिए वोकेशन बेस्ड होनी चाहिए टेक्निकल होनी चाहिए ताकि जो भी पढ़ के निकले उनकी एम्प्लॉयबिलिटी हो सके. द एजुकेशन शुड नॉट गो वेस्ट. सो अगेन हम एक बार लेवल्स ऑफ एजुकेशन को समझते हैं. देर आर 3 broad लेवल्स ऑफ एजुकेशन. फर्स्ट इज द प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. सो प्राइमरी एजुकेशन दैट मीन्स कोई भी बच्चा जो 7 साल की उम्र का अप्रॉक्सीमेट हो जाए उसे अगले 8 साल की कंपल्सरी फ्री यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन दी जाए. कब तक? जब तक कि वो 15 साल का ना हो जाए. 15 साल का होने के बाद अब चूंकि ये एडोलेसेंट पीरियड है उसमें से जो कॉम्पिटेंट हो उनको आगे की 3 साल की और शिक्षा दी जाए. अब उन्हें हम किस तरह की शिक्षा देंगे? हम उन्हें वोकेशन बेस्ड या टेक्निकल एजुकेशन देंगे. पर्पसेस कि हम उन्हें एम्प्लॉयबल बना सकें ताकि वो अपनी ये गेन्ड नॉलेज का कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकें. हायर एजुकेशन यूथ शुड देन बी सिलेक्टेड फॉर 3 years ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन. सो अगर वो आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो दे कैन बी फर्दर सिलेक्टेड फॉर 3 years ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन.
राइट. सो एजुकेशन मेथड्स क्या थे उस समय की अगर हम बात करें तो क्या क्या एजुकेशन मेथड को एम्फोसाइज किया जाता था. सो पढ़ाई ज़्यादातर लेक्चर मेथड से होती थी. दैट मीन्स द टीचर यूज टू गिव इंफॉर्मेशन. टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल होता था. ट्यूटोरियल्स अरेंज होते थे. सेमिनार्स होते थे. प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती थी. सो अगर हम बात करें उस पीरियड के एजुकेशनल मेथड्स जिसको मार्क्सिज्म प्रमोट करते हैं, सो हमारा लेक्चर एंड टेक्स्ट बुक, ट्यूटोरियल्स एंड सेमिनार, प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है. ठीक है. येस, वी हैव ड्रॉन आउट ऑफ फ्रॉम हिज राइटिंग प्रगति. बहुत ज़्यादा हमें उनकी उससे कंटेंट से नहीं मिला है. वी हैव जो हमारी जितनी भी हमारी ये फाइंडिंग्स है, ये उनकी जो सार निकल के आता है, जितना भी उन्होंने लिखा था, उससे ये सारी चीज़ें हम डिराइव कर पाते हैं. ठीक है जी. हाँ, राइट. सो नाउ वी आर विल बी टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म फिलॉसफी. अगर हम ब्रॉडली बात करें कि मार्क्सियन फिलॉसफी का क्या कंसेप्ट है, सो वो तीन ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स में हम बात करते हैं. कोर्स ऑफ स्टडी, नेचर ऑफ मैन एंड एजुकेशन ऑफ मैन. यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आई वेलकम, प्लीज़ डू मेंशन. और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे वापस से एक बार रीचेक करा दूंगी सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? शैल वी मूव अहेड? ओके. सो जैसे हमने बात की कि हम मार्क्सिज्म के एजुकेशनल मेथड्स की बात कर रहे थे, सो इट वाज लेक्चर एंड टेक्स्ट बुक, ट्यूटोरियल्स एंड सेमिनार्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. और हम अब विल बी टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मार्क्सियन फिलॉसफी की क्या क्या चीज़ों को ये डील करता है. सो इट इज़ द कोर्स ऑफ स्टडी. एंड अब देर आर वेरियस वेज हाउ वी कैन, you know, there are this, I don't think this will be the right forum to give such answers. Employment situation ke liye dekhiye, sabse important to again it has to be proper education. Education kis tarah ki honi chahiye, which is you know needed, jo demand and supply jo hum keh padte hain, that should be maintained. Kyunki abhi kya ho raha hai, bahut scenario mein we are having people who are you know ek particular field mein unhone degree le rakhi hai, bahut log hain, and we don't have the right kind of jobs for them. So jaise hamari nayi shiksha niti bhi baat karti hai ki ye gap ki understanding bahut zaruri hai. So I believe going forward our education department as a whole and ministry of education will be coming up with more innovative things wherein we can bridge this gap. Ki jis tarah ki hamari progressive hamari education honi chahiye, you know, we cannot keep गोइंग बैक जो पहले चला आ रहा था उसमें हमें बहुत सारा नवीन चीज़ें लाने की आवश्यकता है जैसे हम कहना चाहेंगे, और वही पढ़ाई हम कराएं जिसकी हमें आज के समय में ज़रूरत है. सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन आई बिलीव इज़ द आंसर टू आर प्रेजेंट सिनेरियो, जैसा हम जिसको हम कह सकें कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. राइट right? ठीक है. कमिंग बैक टू दी मार्क्सियन फिलॉसफी, जैसे हम बात कर रहे थे कंसेप्ट की, सो कोर्स ऑफ स्टडी क्या बात करता है. कोर्स ऑफ स्टडी टॉक्स अबाउट प्रिमिटिव कम्युनिकेशन, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. सो ये सारे आस्पेक्ट्स हैं जिसपे इनकी पूरी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेस्ड है कि जो बहुत ही अगेन एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो रूल करते हैं, चूँकि जो जिस एरा में इन्होंने अपनी फिलॉसफी की दी थी उस समय की अगर हम बात करें तो देर वर सर्टन पीपल जिनके जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, एंड स्लेवरी वॉज वेरी मच इन थिंग उस समय. सो बहुत तरह की अट्रॉसिटीज़ लोगों को बियर करनी पड़ती थी, और इस वजह से बहुत ही सोशल डिसऑर्डर क्रिएट हो गया था, विच वॉज यू नो हर जगह बहुत तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था. राइट. यस. एंड फ्यूडलिज्म, सो सोशलिज्म विच इट टॉक्स अबाउट अ सेटअप, जहाँ पे हम बात करेंगे कि सोसाइटी में हम पूरी तरह से एक प्रॉपर ऑर्डर को इंश्योर कर सकें. राइट. गुड इवनिंग चैताली. Yes, and then it talks about the nature of man. So according to Marx, religion is self-alienation.
truth is not universal and it keeps changing. Transition from capitalism to socialism is most crucial. So इनकी philosophy का बहुत अहम हिस्सा था कि religion जो है वो क्या करता है, self alienate करता है, लोगों को एक दूसरे से अलग कर देता है, separate कर देता है. तो इसलिए education में उन्होंने religion को कहीं भी जगह नहीं दी है. Truth उनके हिसाब से universal नहीं है. हम जो देखते हैं, जो आप देखते हैं, वो आपके लिए ट्रुथ है, जो हम देखते हैं वो हमारे लिए ट्रुथ है. और ये क्या होता है, ये चेंज करता रहता है. जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता है वैसे वैसे ट्रुथ भी चेंज होता है. ये मार्क्सिज्म का मानना था. ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म, सो जो अभी हम जिस सेटअप की बात कर रहे हैं, जो हैव्स और हैव नॉट की जो हमारी सोसाइटी थी, वहाँ से मूवमेंट टू सोशलिज्म सबसे ज़्यादा क्रूशियल है. उनका मानना था कि मैनकाइंड तभी सुधर सकती है जब हम ये पूरा स्लेवरी फ्यूडल सेटअप जो है उससे, जो कैपिटलिस्ट सेट इकॉनमी है उससे हम सोशलिस्ट इकॉनमी में मूव कर सकें. एजुकेशन ऑफ मैन, ही एडवोकेटेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. ही हैज़ ऑल्सो रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्री. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. उन्होंने हमेशा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की कि एजुकेशन शुड बी यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. और उन्होंने अपनी वॉइस रेज की थी अगेंस्ट दी चाइल्ड लेबर इन दी फैक्ट्री. सो अगेन जो चीज़ें हम आज के समय में भी देख रहे हैं उस चीज़ों को भी काफ़ी हद तक उन्होंने उस एरा में भी पॉइंट आउट किया था कि ये सब चीज़ें इट शुड बी फॉरबिडन. सो हम जहाँ तक अभी तक कवर किया है, बिफोर वी गो अहेड हम एक बार इसको क्विक रिविजन कर लेते हैं सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड इट इन कम्प्लीट टोटैलिटी. सो जैसे हमने बात की मार्क्सिज्म द कार्ल मार्क्स हैज़ प्रोपाउंडेड दिस फिलोसफी. सो ये मार्क्सिज्म जो फिलोसफी है कार्ल मार्क्स की दी हुई है. उनका जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी में हुआ था. सो ही वॉज अ जर्मन फिलोसफर. दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पैम्फलेट, ये उनके बहुत इंपॉर्टेंट राइटअप्स हैं. कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, उनका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरी हमारी सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेटअप को दर्शाता है, उनकी एक्चुअली थीम है उस फिलॉसफी का. हिज थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल डिटेल डील्स विथ 3 प्रमाइसेस. तो उनकी जो पूरी क्लास स्ट्रगल की बात है वो 3 चीज़ों पे आधारित है. सबसे पहली बात कि जो हमारी सोसाइटी की हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है. मतलब जब से हमारी सोसाइटी की शुरुआत हुई है तब से ये स्ट्रगल चलता आ रहा है. द सोशल लर्निंग ऑफ मैन डिटरमाइंस हिज कॉन्शियसनेस. मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो जो चीज़ें सीखता है वही उसकी कॉन्शियसनेस को भी डेवलप करता है. द क्लास विच इज़ डोमिनेंट मटीरियल, जो कि कैपिटलिस्ट हैं वो हर जगह डोमिनेंट है, चाहे हम रेगुलर स्फीयर में बात करें चाहे इंटेलेक्चुअल स्फीयर में बात करें. सो ही दिस इज़ द पर्सन कार्ल मार्क्स और उनकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. सो ये पूरी एक उनकी पॉलिटिकल डॉक्ट्रीन है या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो इन सब चीज़ों पर रिवॉल्व करती है. डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म क्या बात करता है कि सोशल लाइफ में जो हम लोग एंटर करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल रिलेशनशिप्स जो होती हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं. सो सिंस वी नो दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो अकेले नहीं रह सकता है, उसे साथ में अपने लोगों की ज़रूरत है. सो हम जैसे जैसे इन्वॉल्व होते हैं, हम जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं, साथ ही साथ हम अपने इकोनॉमिक प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक थिंग्स गो हैंड इन हैंड. The sum total of these relations result in an economic structure of the society. So, चूँकि हमारी जो social activity होती है और साथ साथ जो हमारी economic activity होती है, अगर इसको हम wholesome concept की तरह समझें तो ये एक economic structure हमारी society का बनाती है. Society is consequently divided into 2 classes. So, मिला जुला के हमारी जो society है वो 2 classes में बढ़ जाती है. एक ऐसे लोग जिनके पास सारे means of production है, so वो हो गए हमारे capitalists, and वो जिनके पास नथिंग बट लेबर टू सेल कैटेगरी में आते हैं, दैट हैपेंस टू बी द वर्कर्स. एजुकेशन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट्स एजुकेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर. सो जो भी हमारी एजुकेशन होती है वो हमारी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर ऑफ गवर्नमेंट को बनाती है और ऐसी होनी चाहिए जो कि एक क्लासलेस सोसाइटी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ लेके जाए. सो हमें जितना भी उनके बारे में मिलता है, उनकी जो राइटिंग्स हैं उसके बारे में, उसके थ्रू हम बना पाते हैं. तो देर आर सर्टेन एम्स ऑफ एजुकेशन जो मार्क्सिज्म जिसको प्रमोट करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम एजुकेशन देते हैं सिटीजन्स को, वो उन्हें सिखाते हैं कि कैसे उन्हें गवर्नमेंट के रूल्स एंड लॉज ओबे करना है.
सो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी कंपल्सरी, सबके लिए कंपल्सरी होनी चाहिए. इससे रिलेटेड जो भी रिसोर्स अरेंज करना हो वो सारा बर्डन स्टेट का होना चाहिए, इंडिविजुअल्स का नहीं. उन्होंने एम्फोसाइज किया है कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ऐसी हम एजुकेशन दें जिसका यूटिलिटी हो सके. साथ ही साथ एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जो कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करे सिटीजन्स का. वोकेशनल और ट्रेड एजुकेशन पे काफ़ी इम्फोसिस दिया है बिकॉज मार्क्सिज्म टॉक्स अबाउट द एजुकेशन जो कि यूटिलिटी वाली हो. साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की गई है बिकॉज जैसे हमने पहले बात की कि लेबरर्स और कैपिटलिस्ट की जो गैप है वो तभी ब्रिज किया जा सकता है जब एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर. सो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरी तरह से इन्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को क्रिएट करे. साथ ही साथ जितने अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनको जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उन्हें भी उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि वो हम उन्हें मेन स्ट्रीम में ला सके. रिलीजन के कंप्लीटली अगेंस्ट रहा है मार्क्सिज्म. लेवल्स में जैसे हमने बात की, वी टॉक अबाउट प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन. सो सबसे पहले अराउंड 7 ईयर्स के क्या बचा जब हो जाए तो उसे नेक्स्ट 8 ईयर्स तक कंपलसरी फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन, जैसे क्वाइट सिमिलर टू हमारी जो बेसिक शिक्षा नीति चली आ रही है उसी लाइंस पे थी. सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो उसमें से जो कॉम्पिटेंट अडोलसेंस हैं उन्हें दी जाए 3 साल की. सो पहली 8 ईयर्स की, फिर 3 ईयर्स की जिसमें हम वोकेशन और टेक्निकल एजुकेशन दें, और उसके बाद हम हायर एजुकेशन, उसमें से जो आगे पढ़ाई करना चाहें उन्हें फर्दर हम 3 साल की हायर एजुकेशन दें. सो मेथड्स उनके जो थे टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें, सो लेक्चर और टेक्स्ट बुक, ट्यूटोरियल एंड सेमिनार्स, प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी मेथड्स का इन्वॉल्वमेंट उन्होंने अपने एजुकेशन में किया है. कोर्स ऑफ स्टडी रिवॉल्व करता है अगेन कैपिटलिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म में. सो इनका मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट अगर हम ह्यूमन काइंड का बात करें तो वो है ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलाइजेशन टू सोशलिज्म. सो सबसे ज़्यादा क्रूशियल यही स्टेज है. इनका मानना है कि सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और ही हैज़ इवन रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्री. अगर हम इसका एक जिस्ट में बात करें, सो मार्क्सिज्म डेवलप्ड एज एन आइडियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ मैन. सो ये कंप्लीट आइडियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ मैन की तरह इसके अगेंस्ट में ये थ्योरी निकल के आई थी, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी निकल के आई थी. कार्ल मार्क्स फाउंडर हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के. इट स्टेट्स दैट द सोसाइटी इज अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो हमेशा हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं, जो मटीरियल्स हैं, उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, क्योंकि उसको वो रिसोर्सेज हमेशा कम होंगे, उसके यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा होंगे. दस पावर एंड डोमिनेंस आर मेंटेन. इसलिए जिनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा डोमिनेंस है, वो अपना डोमिनेंस मेंटेन करके रखते हैं. ही डिफाइंड हिज थ्योरी एज अ स्ट्रगल ऑफ द क्लास. जो क्लास है, जो काम करता है, जो लेबर है, उनका स्ट्रगल चलता ही रहता है. ये उन्होंने अपनी थ्योरी में, अपनी फिलोसफी में मेंशन किया है. ही ऑल्सो गेव द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है. And also everything that exists in contradiction and conflict, contradictions are inherent in all realms of nature. So जितने भी तरह के contradictions हैं जो हमारे nature में exist करते हैं, उनको भी उन्होंने deal किया है अपनी philosophy में. दस अगर हम बात करें कि मार्क्सिज्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो किन चीज़ों पे हाईलाइट करते हैं, कि एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए एंड स्टेट शुड बेयर दी एक्सपेंसेस, इट शुड प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. सो पढ़ाई एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि वो कंप्लीट टोटैलिटी में बात करें, हम फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट इंश्योर करें. द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर को बहुत इम्फोसाइज किया गया है, एंड देयर शुड बी नो प्लेस ऑफ रिलीजन इन एजुकेशन. सो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारा कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको कवर कर दूं. आई ओपन यू ऑल टू एनी क्वेश्चंस, इफ इन केस यू फील लाइक प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन चेक. यस प्रेरणा, मैन पावर प्लानिंग कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन. So I couldn't find any questions coming up. So I believe this is the, you know, this is an important aspect of the Marxism which I've tried to collate